हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया। तो आज अपने सामने है TVS राइडर 125 2024 वाली है, और अभी मैं आपको इस बाइक के लेने का एक नहीं नौ रीज़न बताता हूँ। हाँ भाई, एक नहीं नौ रीज़न बताता हूँ। सबसे पहला जो रीज़न आता भाई, इसका माइलेज 67 KMPL का माइलेज निकलता है। कस्टमर्स भी 65, 66, 67 तक निकाल चुके हैं। ये चीज़ भाई लिटरली शॉकिंग चीज़ है, मतलब कि स्पोर्ट्स बाइक में इतना माइलेज, गजब भाई। सेकेंड जो इसका USP आप बोल सकते हो, इसका कंफर्टेबल सीट, मतलब भाई काफ़ी कुछ नहीं है। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हो, लॉन्ग राइड पे मतलब निकलते हो, तो भी आप काफ़ी मतलब कंफर्टेबल रहने वाले हो इस सीट्स की वजह से। अगर हम बात करें थर्ड इसकी USP की, तो भाई इसका हैंडलिंग। स्पोर्ट्स बाइक में कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ स्पोर्ट्स बाइक काफ़ी ज़्यादा पुअर हैंडलिंग देती है, लेकिन ये बाइक आपको काफ़ी सुपर हैंडलिंग देने वाली है, काफ़ी हल्की हल्की महसूस होने वाली है। अगर हम बात करें फोर्थ इसकी USP की, तो भाई इसकी रिलायबिलिटी। भाई TVS का प्रोडक्ट है तो फिर रिलायबल तो होगा ही, इसमें तो कोई शक की बात हो ही नहीं रही है। वैसे अगर हम बात करें फिफ्थ USP की, तो भाई इसका मेंटेनेंस। मैं भाई मेंटेनेंस कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मेंटेनेंस कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मेंटेनेंस की, जो कि भाई मतलब कि सर्विस सेंटर आपको TVS का हर जगह देखने को मिल जाएगा, ऑलमोस्ट सभी शहरों में देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब कि आप आसानी से डायरेक्ट सर्विस सेंटर में सर्विस करा सकते हो, ईजी टू मेंटेन होने वाली है ये बाइक। नहीं तो क्या होता है कि भाई लोकल सर्विस में मजबूरी होता है सर्विस कराना, समय नहीं रहता है तो फिर, और दूर होता है सर्विस सेंटर तो फिर मजबूरी में लोकल कराना पड़ता है। और 99% केसेस में मैं रियलिटी बता रहा हूँ, इंजन खुलता है भाई, समय से पहले इंजन खुलता है लोकल सर्विस की वजह से। वैसे अगर हम बात करें इसकी नेक्स्ट USP की, तो भाई इसका लुक, रोड प्रेजेंस, आपको मतलब ऐसा लुक आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला है कि आपको एक ऐसा फीलिंग आएगा कि भाई आप एक यूनिक प्रोडक्ट लेकर चल रहे हो मार्केट में। मतलब भाई रियलिटी इसका रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है, लुक काफ़ी अच्छा है, स्टाइलिश लुक है। अगर हम नेक्स्ट USP की बात करें, तो इसका मीटर कंसोल, भाई फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट सभी फीचर्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं एडवांस लेवल वाले। वैसे इसके अंदर स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये मतलब कि ऐसे सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर भी देखने को मिलता है टॉप एंड वेरिएंट में। अगर हम बात करें तो इसकी नेक्स्ट USP की, तो भाई इसका हेडलाइट, रियलिटी बताऊँ अगर मतलब कि मैक्सिमम बंदों को रात में नहीं चलना होता है, लेकिन भाई जब भी आप रात में चलोगे तो इस बाइक का हेडलाइट आपको शॉक जरूर से देगा। काफ़ी अच्छी हेडलाइट है, काफ़ी अच्छा थ्रो मिलता है इसके अंदर। अगर हम नेक्स्ट USP की बात करें, और आखिरी जो कि राइडर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, स्पेशली मेरे तरह राइडर्स जिन्हें फीचर से कुछ खास मतलब नहीं होता है, लेकिन उन्हें पावर से मतलब प्यार होता है, तो फिर ऐसे मतलब कि बताऊँ तो भाई इंजन के अंदर पावर कितना मिलता है, तो इंजन काफ़ी ज़्यादा सुपर स्मूथ है, और इंजन इसका 125 cc का पावर बनाता है, 11.2 BHP और 11.2 Nm का टॉर्क, जो कि काफ़ी बेस्ट आपको फील देने वाला है, चलाने में काफ़ी मज़ा भी आने वाला है, काफ़ी पंची पंची सा लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक छोटी सेगमेंट की स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो, बिल्कुल ऐसा फील देगी कि आप एक रियल स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो। तो यही था आज का कुछ वीडियो, कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताएगा, और ये बाइक कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर से बताएगा। वैसे कहा एक अपने चैनल पर अपडेट है, अगर आप बेतिया से हो, बेतिया VR से, तो फिर आपने कोई भी बाइक लिया किसी भी कंपनी की, तो हमारे साथ कस्टमर रिव्यू शेयर कर सकते हो, मतलब मैं खुद आपके पास आकर के कस्टमर रिव्यू वीडियो शूट करूंगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है वो सारे वीडियोज वगैरह, मतलब कि काफ़ी कस्टमर्स को हेल्प भी हो जाता है, कंपनी को भी मालूम पड़ता है कि भाई क्या अपडेट करने की जरूरत है बाइक में, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और या फिर अगर आपको अपनी बाइक या कार सेल करनी है, तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस ईमेल पे, भाई कमेंट में इस ईमेल पे कॉन्टैक्ट करना डायरेक्ट, मैं आपके पास आऊँगा, आपकी गाड़ी की वीडियो शूट करूंगा, मतलब कंडीशन के ऊपर, अच्छी कंडीशन की ओरिजिनल गाड़ी है तो फिर, और आपकी बाइक जल्द से जल्द बिकेगी, बीच में कोई डीलर नहीं, कोई कमीशन नहीं, मुझे भी कोई पैसा नहीं देना है, मैं भी फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाला हूँ ये सारी चीज़ें। तो गाइस ये चीज़ें तो मतलब कुछ स्पेशल है, और हमारे चैनल पर स्पेशल चीज़ तो होती रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, अपना व्हाट्सएप चैनल भी एक अभी मैं जस्ट बनाया हूँ, और ग्रुप भी बनाने वाला हूँ बेतिया ग्रुप, ठीक है, तो फिर आप उसमें ऐड हो सकते हो, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ग्रुप का लिंक भी मैं आपको कुछ दिनों में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।